डियर स्टूडेंट्स, आज हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, ये टॉपिक जो कि बीएससी पार्ट वन का है, बॉटनी के फर्स्ट पेपर का, उसको हम पढ़ेंगे। थैलस ऑर्गेनाइजेशन शैवालों के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये एक कोशिकीय, कॉलोनियल, फिलामेंटस या मृदुद के रूप में पाए जाते हैं। शैवाल का जो थैलस है वो सिंपल माइक्रोस्कोपिक से लेकर के अत्यधिक विशाल या जटिल संरचना वाला हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, संगठन के आधार पर हम दो प्रकार के थैलस पाते हैं एल्गी के अंदर, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। पहले हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर थैलस। एक कोशिकीय थैलस जो फियोफाइसी क्लास है उसके अलावा, उसमें सब बहुकोशिकीय होते हैं, उसके अतिरिक्त सभी वर्गों में एक कोशिकीय थैलस पाए जाते हैं। चूँकि इनमें जीवन चक्र की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है, इसलिए इसे अकोशिक भी कहते हैं। एक कोशिकीय जो शैवाल हैं निम्न प्रकार के होते हैं, एमेबॉइड या राइजोपोडियल, इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, देखिए चित्र एक ए, और इसमें जो सूडोपोडिया के कारण इनकी जो आकृति है वो भी निश्चित नहीं होती है, जैसे इसका एग्जांपल है क्रिस अमीबा, राइजोक्लोरिस आदि। कशाबिके, दूसरा है कशाबिके या फ्लैजिलेटेड, ये कशाबिका युक्त गतिशील शैवाल हैं जो कि यूग्लिनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी आदि क्लासेस में पाए जाते हैं। इनमें कशाबिकाओं की संख्या और स्थिति में भिन्नता होती है। जैसे क्लेमेडोमोनास में आप सी इस चित्र में देख रहे हैं, दो फ्लैजिला हैं तथा यूग्लिना में एक फ्लैजिला पाया जाता है। तीसरी जो है नॉन फ्लैजिलेटेड या अकशाबिकी, ये गोलाकार या अन्य आकृति के नॉन फ्लैजिलेटेड शैवाल होते हैं, जिनको कोकोइड या प्रोटोकोकोइड भी कहते हैं, जैसे ये देखिए डी क्लोरेला, सिनकोकस, क्रूकोकस, डायटम्स एक्सेट्रा। अगर हम डायटम्स की बात करें तो डायटम्स की जो कोशिका होती है वो दो थीका से बनी होती है, ये देखिए, और ये एक बीच में एक गर्डल बैंड है उसके द्वारा ये जुड़ी रहती है, रेफी पोलर नोड्यू, ये डायटम्स का स्ट्रक्चर है। सर्पिलाकार, ये भी एक कोशिकीय शैवाल होते हैं जो कि कुंडलित आकृति के होते हैं, स्पायरल होते हैं, इसका एग्जाम्पल है स्पायरोलिना, ये आप देख रहे हैं, ये है क्लोरेला, नॉन फ्लैजिलेटेड का उदाहरण है ये स्पायरोलिना, स्पायरल और जो हम पढ़ रहे हैं यूनिसेलुलर कुंडलित आकृति के सर्पिलाकार। अब हम आते हैं बहुकोशिकीय थैलस। इसमें जो बहुकोशिकीय शैवालों में कई प्रकार के थैलस पाए जाते हैं, जैसे अगर सबसे पहले हम बात करें एग्रीगेशन या कॉलोनी, इनकी जो कोशिकाएं हैं वो आपस में कॉलोनाइज हो जाती हैं और एक अनियमित आकार की कॉलोनी बनाती हैं। इनकी विशेषता यह है कि कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती रहती है, और इस प्रकार की जो कॉलोनी होती है उसमें कोशिका संख्या, कॉलोनी का आकार अनिश्चित होता है। तो जो कॉलोनाइजेशन है तीन प्रकार से देखा गया है। पहला है पॉमेलॉइड जो कॉलोनी होती है, इनमें गुलाब या अचल कोशिकाएँ जिलेटिनस मैट्रिक्स में धसी रहती है, अंतःस्थापित रहती है, इसमें न तो आकार न ही कोशिका की संख्या निश्चित होती है और हर कोशिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, सिर्फ ये मैसले जो मैट्रिक्स है इसमें धसी भी है। इसका एग्जांपल है टेट्रास्पोरा, पामेला, एफेनोथिका एटसेट्रा। दूसरा है डेंड्रॉइड या वृक्षाप, इसमें जो कोशिकाएँ हैं वो एक दूसरे से श्लेष्म द्वारा जुड़ी रहती है, इस प्रकार जुड़ी रहती है कि उनका जो बाहरी जो स्वरूप है वो वृक्ष के समान, एक सूक्ष्म वृक्ष के समान दिखाई देता है। इस प्रकार की जो कॉलोनी थी उसका भी साइज और जो शेप है वो भी अनिश्चित होता है। तीसरा है राइजोपोडियल। राइजोपोडियल की कोशिकाएँ जो होती हैं, इसमें देखिए ये चित्र सी दे रखा है, कॉलोनी की प्रत्येक कोशिका आपस में राइजोपोडिया द्वारा जुड़ी रहती है, ये देखिए राइजोपोडिया कनेक्शन, इसका एग्जांपल है राइजोक्राइसिस या क्राइसिडियस्ट्रम।
अब वो मल्टी सेलुलर जो थैलस है उनमें दूसरा प्रकार है सिनोबियम। इस प्रकार की जो कॉलोनी होती है इसमें निश्चित आकार होता है, निश्चित साइज होता है, कोशिकाओं की संख्या भी निश्चित होती है और एक विशिष्ट जो क्रम होता है उसमें विन्यासित रहती है। तो इनमें जो कोशिकाओं की संख्या है वो बहुत ही अर्ली या यंग स्टेज पर ही निर्धारित हो जाती है, उसके बाद केवल उनके साइज में वृद्धि होती है। इन्हें कहते हैं सिनोबियम। सिनोबियम दो प्रकार की हो सकती है, फ्लैजिलेटेड या नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड मतलब जब कोशिकाएं कशाविका युक्त हो, जो आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन द्वारा जुड़ी रहती हैं। देखिए ऐसी इन्हें सिन जैसे वॉल्वॉक्स, ये वॉल्वॉक्स, ये है पहला है पेंडोराइना, ये है यूडोराइना। नॉन फ्लैजिलेटेड जो है दूसरा जो टाइप सिनोबियम का, इसमें कोशिकाएं जो होती हैं अकशाविकीय होती हैं और इनकी आकृति गोल प्लेट जैसी या जाल के समान होती है और ये पेडियस्ट्रम एग्जाम्पल है इसका, सेंडस्मस या हाइड्रोडिक्टियन एटसेट्रा। अब हम थर्ड टाइप का थैलस के बारे में बात करते हैं, फिलामेंटस थैलस। फिलामेंटस थैलस ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड या ब्रांच्ड दो प्रकार का हो सकता है। इसमें जो ओरिजिन है उनकी एक सेल से इसके अंदर मोटेलिटी का जो है वो विलोपन हो जाता है और अनेक इसमें ट्रांसवर्स डिविजन्स होते हैं और इसमें जो कोशिकाएं हैं एक दूसरे से सेपरेट न होकर के रेखीय क्रम में जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार से एक फिलामेंट बनाती है। ये दो प्रकार का हो सकता है, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। जो अनब्रांच्ड है वो स्पायरोगायरा, ओडोगोनियम, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, यूलोथ्रिक्स आदि में पाया जाता है। ये देखिए तीनों प्रकार, ये जो चार चित्र देख रहे हैं ए बी सी और डी, ये हैं अनब्रांच्ड फिलामेंटस थैलस के एग्जाम्पल हैं। ये देखिए इसमें उडोगोनियम और इसमें तो होल्ड फास्ट पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स और उडोगोनियम। ये यूलोथ्रिक्स है, ये उडोगोनियम, इनके बेसल पर एक होल्ड फास्ट जो कि संलग्न होते हैं सबस्ट्रेटम से, उस पर अटैच होने का फंक्शन करते हैं। ये देखिए ये नॉस्टॉक है जिसके अंदर की म्यूसिलिनस शीत होती है, इसमें सेल्स अरेज रहती है और एक फिलामेंट का निर्माण होती है। कोशिकाएं ये गोल गोल हैं चेन के रूप। अब हम आते हैं ब्रांच फिला थैलस। जो शाखित थैलस हैं उनकी संरचना वो अगर हम देखना तो हमें जैसे क्लोडोफोरा में पाया जाता है, इनमें नीचे सेप्टा बन जाता है और उससे लेटरल आउटग्रोथ्स निकलती है, तो इस प्रकार से इनमें शाखन देखने को मिलता है। जैसे अगर हम ये देखें चित्र एच, ये साइटोनिमा का है, इसमें ये सूडो ब्रांचेस हैं, इसमें सूडो ब्रांचिंग पाई जाती है। लेटरल आउटग्रोथ्स के रूप में ये विकसित नहीं होता है बल्कि इसके अंदर जो इंटर गैलरी से सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और जिससे ऐसा लगता है कि ये इसमें ब्रांचिंग हो गया। इसके अलावा हेट्रोसिस्ट के पास कई बार लूप फॉर्मेशन हो जाता है जिससे भी इसमें सुडो पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो जो ब्रांच फिलामेंट्स थैलस हैं वो कई प्रकार से विकसित हो सकते हैं, या तो सिंपल हो जब सिंगल फिलामेंट से बने हुए हों और जिनके सिर्फ आधार पर एक संलग्नक ही लगा हो, तो क्लेडोफोरस का एग्जाम्पल है। हेटरोट्राइकस जब इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट दोनों प्रकार की अगर शाखाएं उपस्थित हैं, जैसे कोलियोकिट में, या ये देखें आप चित्र आई में ट्रेपनेल डिओप्सिस में। दूसरा है सूडो पैरेन्काइमेटस। कुछ जो एल्गी हैं उनमें फिलामेंट्स या ब्रांचेस में समानांतर रूप से संगठित होकर के स्वरूप बन जाता है। ये दो प्रकार से बन सकता है, या तो हो यूनी एक्जियल या मल्टी एक्जियल। जैसे बैटरकोस्पर्मम के अंदर एक अक्षीय जो तंतु होते हैं उससे जो शाखाएं निकलती हैं वो बराबर क्या होती है, आपस में संयुक्त हो जाती है।
जबकि मल्टी एक्सियल के अंदर एक से अधिक फिलामेंट आधार से विकसित होते हैं और वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जैसे पॉलीसाइफोनिया में, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं साइफनस थैलस। थैलस जो अगर ट्यूबुलर है, नलिकाकार है, एसेप्टेट है, मल्टी न्यूक्लियेट है, तो इस प्रकार के जो फिलामेंट से बना होता है इसको हम सीनोसिटिक भी कहते हैं। इसके अंदर कोई भी सेप्टम फॉर्मेशन नहीं होता और बिना सेल डिवीजन के इसके अंदर कोशिका का एलांगेशन हो जाता है, और जो सेप्टम फॉर्मेशन है वो केवल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं तब होता है। इसका एग्जाम्पल है बॉटरेडियम, प्रोटोसाइफन, जैसे फर्स्ट ये देखिए आप, ये प्रोटोसाइफन, ये वाउचेरिया जिसमें आप देख रहे हैं सिनोसिटिक कंडीशन, सेंट्रल वैक्यूल है, ये है बॉटरेडियम और ये है कॉलर पार्ट। तो ये जो प्रोटोसाइफन है और जो बॉटरेडियम है, इसमें थैलस छोटा होता है और एक वेसाइकल, अनब्रांच वेसाइकल के समान होता है, जबकि वाउचेरिया का थैलस कैसा है, ब्रांच्ड साइफनस है, जबकि ये कॉलरपा में जो है राइजोइड्स, एक्सियल और इसे लीफी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसी ब्रांचेस है, लीफी ब्रांचेस, राइजोपोडियल ब्रांचेस भी हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है पेरेन्काइमेटस। इस प्रकार के जो थैलस है इसका जो विकास होता है वो फिलामेंटस थैलस से होता है, और तंतु की कोशिकाओं में एक से अधिक तलों में विभाजन होता है, और विभाजन के फलस्वरूप बनी हुई जो डॉटर सेल्स हैं वो सेपरेट नहीं होती, और जिससे कि एक पेरेन्काइमेटस संरचना का निर्माण हो जाता है। जैसे क्लोरोफाइसी वर्ग का अलवा, ये देखिए आप, अलवा का थैलस जो है वो पेरेन्काइमेटस है, पत्ती जैसा चौड़ा होता है और आधार से एक स्टॉक द्वारा जुड़ा रहता है। तो जो पेरेन्काइमेटस थैलस है इनका जटिल जो स्वरूप है वो हमें ब्राउन जो एल्गी हैं उनमें देखने को मिलता है, जैसे ये देखिए आप सार्गसम, फ्यूकस, ये लेमिनेरिया, जो कुछ जो मृदुत की शैवाल हैं उनमें टिश्यू डिफरेंशिएशन भी पाया जाता है इंटरनल, जिसमें बाहर मेरिस्टोडर्म, ये देखिए आप मेरिस्टेम दिख रहा है, मेरिस्टोडर्म, मध्य बीच में कॉर्टेक्स या मेडुला भी उपस्थित होती है। ये देखिए आप सार्गसम, सार्गसम में लीफी स्ट्रक्चर दिख रहा है, पेरेन्काइमेटस थैलस का एग्जाम्पल है, या लीफ, इसके अंदर रिसेप्टिकल्स हैं, एयर ब्लैडर्स होते हैं, ये काफ़ी बड़ी बड़ी एल्गी हैं ये वाली, ये नीचे आप देख रहे हैं। अब हम आते हैं इक्विसिटोइड टाइप थैलस। ये जो वास्तव में ये भी फिलामेंटस थैलस है जो कि सुडो पेरेन्काइमेटस प्रकार का संगठन बनाते हैं, और इनकी जो मॉर्फोलॉजी है देखने में ऐसा लग रहा है जैसे टेरिडोफाइटा ग्रुप के इक्विसिटम जो प्लांट है उसके समान होती है। पादम में एक मुख्य मेन एक्सिस पाया जाता है जो कि इंटरनोड नोड्स में डिफरेंशिएटेड होता है, और इस नोड इंटर जो मेन एक्सिस है उसकी नोड्स पर लिमिटेड जो ब्रांचेस हैं उसका एक वर्ल्ड पाया जाता है। ये देखिए वर्ल्ड में दिख रहा है, जैसे हम एग्जाम्पल है इसका कारा, कारा में हम देखते हैं, और जो मेन एक्सिस की जो नोड्स हैं उन पर कुछ अनलिमिटेड ब्रांचेस, ग्रोथ की भी ब्रांचेस होती हैं जो कि स्ट्रक्चर में मेन एक्सिस के समान ही होती हैं। एक कोशिकीय स्टिपुलॉइड्स पाए जाते हैं इनके आधार पर, जो शाखाएं हैं उनके आधार पर, सेकेंडरी लेटरल्स लगे रहते हैं जो लिमिटेड ब्रांचेस की जो शाखाएं हैं उनके नोड्स पर, और इस तरह से ये जो प्लांट है ये बहुकोशिकीय जो मूलाभास होते हैं उनके द्वारा या राइजोइड्स के द्वारा नीचे अटैच रहता है। इसका एग्जाम्पल है कारा नाइटेला। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि थैलस में किस प्रकार से, एल्गी के अंदर किस प्रकार से थैलस में विभिन्नता देखने को मिलती है। थैंक यू।